आज हमने ये वजनल टाइटनिंग किया है, पेशेंट का यंग है और एक ही बच्चा है, लेकिन विजय ना बहुत ज़्यादा लूज़ है। उसको लूज़ होने का कारण ये है कि हालांकि इन्होंने हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराई थी, नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन एपिजियोटमी यानी जब बच्चा का सिर बाहर निकलने लगता है तो हमेशा वजाइना के साइड में एक कट दिया जाता है, जो या तो कोई जूनियर होगा या उन्होंने जो कट दिया वो बहुत छोटा होगा, इस कारण से वजाइना बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। अब हमने उनको 2 फिंगर तक टाइट किया है। ये सर्जरी जो इतनी पॉपुलर हो गई है उसका मेन रीज़न यही है कि इस सर्जरी को लोकल एनेस्थीसिया में हम कर देते हैं, यानी सुन करके, और जैसे अब ये पेशेंट आएगा और 15 मिनट बाद ये चले जाएंगे और इनको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4-5 दिन की मेडिसिन चलेगी, दैट्स इट। ये इनका टोटल रूटीन होता है, कोई पेन नहीं होता सर्जरी के दौरान और पेशेंट कम्फर्टेबल रहता है। थोड़ा जिन लोगों को डर लगता है उनको कभी कभी हम एनेस्थीसिया भी दे देते हैं, इनको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अदरवाइज़ आप आराम से ये सर्जरी करा सकते हैं। और जब भी कभी नॉर्मल डिलीवरी कराएं तो अच्छी जगह से कराएं, और ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो। ये तो चलो फिर भी ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि गर्भाशय भी नीचे तक आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा जोर लगे तो, जिसको यूट्रस प्रोलैप्स भी कहते हैं, तो उससे भी इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और घर में तो डिलीवरी इसलिए अब कोई कहते नहीं है कि करानी चाहिए, कोई अच्छा आइडिया नहीं है, तो यही सब रीज़न्स है जिसकी उसको मना करें।